अम्बाला के वार हीरोज स्टेडियम में आज ग्रेट खली का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ग्रेट खली जब स्टेडियम में पहुंचे तो उनके साथ तैराकी एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र विज भी मौजूद थे। स्टेडियम के सभी कोच व जिला खेल अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। ग्रेट खली ने स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में थोड़ी एक्सरसाइज भी व स्विमिंग पूल पर भी गई। इन सबको देखकर खली ने स्टेडियम बनाने व इसका रखरखाव के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ भी की। वीओ पत्रकारों से बात करते हुए खली ने कहा कि वह नीलाखेड़ी के पास अपनी एकेडमी खोलना चाहते हैं, इसी के चलते वह आज यहां पर स्टेडियम को देखने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी एकेडमी का जिम बनकर तैयार हो चुका है, वह इस एकेडमी में अनेक प्रकार की एक्टिविटी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी को गृह मंत्री अनिल विज ने स्पोर्ट्स हब बना दिया है, इसी को लेकर यहाँ पर स्टेडियम के साथ साथ ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल, बैडमिंटन हॉल व अन्य प्रतिस्पर्धाओं के लिए स्टेडियम तैयार किया गया है। खली ने कहा कि उसे अम्बाला पहुंचकर काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए अनेक कोच भी उपलब्ध है। खली ने कहा कि वह अपनी अकेडमी में पहला इवेंट अगले महीने करवाएंगे जिसमें विभिन्न खिलाड़ी भाग लेंगे। वीओ स्विमिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र विज ने बताया कि आज खली गृह मंत्री से मिलने आए हैं, इसके बाद वह छावनी के स्टेडियम को देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि खली करनाल के नीलोखेड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकेडमी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज खली को देखकर प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित है। वीओ वही अम्बाला के DSO रामकुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रेसलर खली आज हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने हमारे खेल स्टेडियम की प्रशंसा की। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, विश्व विख्यात मिस्टर खली आज हमारे बीच में हैं। वो आए और जो अम्बाला कैंट में इंटरनेशनल लेवल के जो खेल ग्राउंड हैं मिस्टर अनिल विज के द्वारा निर्मित, ये हमारी बड़ी खुशी का दिन है कि इनको अच्छा लगा स्टेडियम और ये चाह रहे हैं कि ऐसा ही हम करनाल नीलोखेड़ी में भी बनाएं। और भाई साहब से हम आग्रह करते हैं कि अपने कोई ना कोई इवेंट यहाँ जल्दी से जल्दी कराएं, हम भाई साहब को पूरा सपोर्ट देंगे और अनिल विज जी को उसमें हम मुख्य अतिथि बनाएंगे। जैसे आप बहुत सारे लोगों को पता है सोशल मीडिया पर कि मेरी जो एकेडमी बन रही है नीलोखेड़ी करनाल में, सो जिम रेडी हो गया है, बहुत सारी एक्टिविटी कराना चाह रहा हूँ मैं वहाँ पर, तो उसका क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि भी जो हमारे इर्द गिर्द है कौन सी चीज़ें हैं, तो मेरे को पता लगा था कि भी जो यहाँ पर जो ये अम्बाला कैंट पे अनिल विज ने जो ये बनाया, मतलब एक स्पोर्ट्स को एक हब बनाई है, स्पोर्ट्स की हब बनाई है, इतना डेवलप किया है, जितने कोच दिख रहे हैं पीछे, मतलब जैसे जिमनास्टिक के, स्विमिंग के, रेसलिंग के, फुटबॉल के, योगा के, बैडमिंटन के, जितने भी मतलब एज अ स्पोर्ट्स है सारे यहाँ पर इंटरनेशनल मतलब खेल सकते हैं, और बड़ा अच्छा लगा है देख के, और इसका पूरा श्रेय जाता है भाई साहब को, इन्होंने मतलब ये डेवलप किया है। तो मेरा भी पता, आज ही मेरे को पता लगा इस चीज़ का, मेरे को पहले पता नहीं था कि भी इतना काम करते हैं मतलब स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि इनने बहुत मतलब ऐसे मतलब एक एक चीज़ें खुद बनवाई हैं, तो उन्होंने बताया कि भैया मतलब ये चीज़ें ज़रूर देखो दिखानी है आपको, और बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को कि भी इतना मैंने नहीं देखा कहीं हिंदुस्तान पे ऐसी चीज़ें, मतलब एक छोटे शहर पे इतना डेवलप किया हुआ स्पोर्ट्स का एक मतलब हब, मतलब कि जहाँ पर हर गेम कर सकते हैं और कोच रखे स्पेशली, सो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये चीज़ें मैं भी वहाँ पर नीलोखेड़ी पे करने जा रहा हूँ, मतलब बहुत जल्दी, मतलब बस सरकार मतलब थोड़ा एक आपको पता ही है थोड़ी सपोर्ट करे और फाइनेंशियल भी और ऐसे भी, तो ताकि हम उसको और अच्छी तरह से कर सके। सो बहुत जल्दी उसकी ओपनिंग करा रहा हूँ मैं, और आपको जैसे मतलब डेट फिक्स होएंगी, नेक्स्ट मंथ का रखा है हमने, जैसे डेट फिक्स होंगी तो सभी कोई सभी ने आना है, और पहला मेरा जो वहाँ रेसलिंग का इवेंट होएगा जो आप WWE पे देखते हैं वही इवेंट मैं वहाँ पर करूँगा नेक्स्ट मंथ। देखिए अभी खली जी हमारे घर आए थे भाई साहब को मिलने नीलवी जी को, तो मैंने इनसे आग्रह करा कि जो हमारे गृह मंत्री और मेरे बड़े भाई हैं नीलवी जी, उन्होंने अम्बाला छावनी में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर स्टेडियम बनाए हैं, तो ये भी इनकी भी अपनी इच्छा है कि मैं नीलोखेड़ी जो करनाल के साथ है कि वहाँ पर मैं अपनी एक एकेडमी रेसलिंग और वॉलीबॉल
और 3-4 गेम्स की इकट्ठी बना रहा हूँ और ये जिम उसके लिए बना चुकी है। तो बड़ा अच्छा लगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक रेसलिंग के बहुत बड़े हमारे आइकॉन है हिंदुस्तान के, और इन्होंने हमारा नाम बहुत रोशन भी करा भारत का पूरे विश्व के अंदर। आज सारे कोचिज़ को और हमारे को DSO साहब को सबको इकट्ठा पा के सबको बहुत खुशी है कि आज सबके बीच में खली साहब बैठे हुए।